खैर ये वीडियो है, एक हमारे को एक फ़ोन आया है आईफोन कूरियर से, जैसे कि हम बताते हैं हमेशा कूरियर से फ़ोन आते हैं और हम उसका एक वीडियो डालते हैं। ये आईफोन 6s है, यहाँ पे दिखाइए, आईफोन 6s है और ये फ़ोन में आपको ड्रेन बताया है उन्होंने, फ़ोन चालू है पर फ़ोन में बताया बैटरी ड्रेन हो रही है और इस वजह से कस्टमर में आप देखिए कि यहाँ पर बैटरी भी चेंज कर दी है, कि हो सकता है कि उन्होंने शुरुआती तौर पे ये सोचा हो कि यार बैटरी ड्रेन है, कहीं बैटरी का तो इशू नहीं है, क्योंकि बैटरी उतर जा रही है, तो बैटरी चेंज कर दी और एक कोई एक पुरानी मतलब डुप्लीकेट कंपनी की बैटरी लगा दी है। खैर तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए और उस समय अपन को सर्किट का नॉलेज या किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी डीसी रीडिंग की एक हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो देखो बैटरी ड्रेन इशू मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, बैटरी ड्रेन इशू दो तरीके से होते हैं। पहला तो ये कि अगर हम जब डीसी को कनेक्ट करें तो हमें ऑटो रीडिंग मिल जाए तो फिर हमें एक ढूंढने में आसानी जाती है, हालांकि अगर वो लीकेज माइनर होगा तो फिर आसान नहीं होगा, फिर उसमें जो स्टेप होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ पर बहुत ट्रिकी स्टेप्स हैं जो अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। आपने वीडियो देखे होंगे इस टेलीकॉम ने, नहीं देखे तो जाके देखिए अभी हमारे चैनल के, जितने स्टूडेंट खुद बता रहे हैं कि कितने फ़ोन वो बनाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको डीसी पे लगाने के टाइम पे कनेक्ट करते आपको कोई रीडिंग नहीं दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी किसी थर्ड लाइन पे आपकी लीकेज हो रही है, मतलब कोई सेकेंडरी लाइन भी नहीं, थर्ड लाइन आपकी कहीं ना कहीं जो चालू होने के बाद जिसको एक्टिव हो रही है और हो सकता है वो ड्रेन कर रहा हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी लाइन पे है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम ऑलरेडी इसकी जांच कर चुके हैं ताकि वीडियो में आपको हम आपका टाइम वेस्ट ना करें, और ये केस स्टडी के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगाया, मैं यहाँ दिखाऊंगा आप थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें एक साथ देखिए, और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको करूँगा तो आप देखिए ये ऑटो रीडिंग ले रहा है, आप देखिए ये ऑटो रीडिंग ले रहा है 0.47, ये तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रेन हो रहा है ऑब्वियस है, तो ऑटो रीडिंग, हालांकि ये फ़ोन चालू है, मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ कि चालू है कि नहीं है। तो देखिए इसको एक बार देख लेते हैं इस फ़ोन को कि ये फ़ोन चालू है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फोन हमारा चालू है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे ज्यादातर हमारे दिमाग में ये होता है कि यार कैपेसिटरों का क्या होगा, बड़ी चीजें निकाल दो, पर वो फिर कैपेसिटर से फिर जो ऊपर फोन चालू है हमारा, तो ये प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने डायग्नोस की है। डायग्नोसिंग एसर टेलीकॉम की दोस्तों इतनी बेस्ट है, अगर आप यहाँ आएंगे तो ड्यूल देकर सीपीयू, ये सब तो खैर आम बात है और वो तो हम करवाएंगे ही, साथ में बोर्ड भी देंगे, हालांकि बोर्ड कोई नहीं देता, एक्सपेंसिव बोर्ड होते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट अफोर्ड भी नहीं कर पाते, छोटे लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से रोजिंग यहाँ पर डाला हुआ था और हर जगह चेक किया हुआ था, तो मैं आपको फिर से एक बार रोजिंग से दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ दिखाइए, ये देखिए, तो पहले इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, अब हम इस पर एक रोजिंग की लेयर लगाएंगे। तो देखिए हमने रोजिंग की लेयर लगाई है जहाँ जहाँ हमें लगता है लगानी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए, तो इसका मतलब है कि हमारी जो आईसी है वो हीट हो रही है, जो बनी वाईफाई आईसी है। और दोस्तों सेसेस में बता दूं कि आप वाईफाई आईसी को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इससे वाईफाई एनेबल नहीं होगा,
आपको उसको नैंड के साथ में आपको उसको अनबाइंड करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस के लिए दो तरह की प्रोसेस होती है। पहली ये कि आप अगर आपके पास में आई रिपेयर है या आपके पास पर्पल मोड केबल है तो आप चाहे तो बिना आप नैंड को निकाले कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको नैंड निकाल के उसको JC प्रो WL या IP किसी भी बॉक्स से आप इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा फिर आपको। तो चलिए एक बार आपके सामने नैंड निकालते हैं और उसकी फिलहाल अभी देखिए लंबी चौड़ी प्रोसेस है, मैं इतना सा वो नहीं करूँगा, पर मैं इसकी सॉर्डिंग निकाल के एक बार नैंड इसकी वाईफाई निकाल देते हैं और फिर चेक करते हैं कि DC से कोई रीडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है जिसको हम वीडियो में कवर नहीं करेंगे। अगर आपको ये काम सीखना है तो आप बिल्कुल आइए। ये हमारा वीडियो खाली सॉर्टिंग का था और लीकेज हाफ सॉर्टिंग से इसको बोल सकते हैं जो हमने यहाँ पे दिखाया। तो चलो एक बार आपके सामने वाईफाई को निकाल के एक बार श्योर करवा दें कि क्या वाकई में इसी का प्रॉब्लम था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद में फिर नैंड आपकी वाईफाई निकालने के बाद भी किसी चीज और चीज का प्रॉब्लम जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार नैंड निकाल के वाईफाई निकाल के आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये जो वाईफाई ऐसी होती है दोस्तों, ये फुली ब्लैक पेस्टेड होती है। क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वू जिन से मैं आपको सिखाऊंगा, ZXW से मैं आपको सिखाऊंगा, JCID, जिन जाओ और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आईफोन में जरूरी होते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे दूंगा। IC रिबॉल करना, पेस्टेड IC को रिमूव करना, U2 जैसी छोटी छोटी IC, या तो बात करें आईफोन में सबसे छोटी IC से लाइट IC को निकालना लगाना, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो और इसके अंदर के फॉल्ट हम देखेंगे, तो उसके सर्किट सप्लाई हम जानेंगे कि कभी भी अगर आपको लाइट का कोई फॉल्ट आता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोर्स में आपको जो रहना और खाना रहता है आईफोन ट्रेनिंग की कोर्स में, वो आपको अलग होगा और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में रहना खाना आपको यहाँ पर लगेगा। और उसके अलावा ये 6 दिन का एक कोर्सेस होगा दोस्तों, जिसमें हम एक आपको लाइव बोर्ड भी देंगे अपने आपकी ट्रेनिंग के लिए, जैसे iPhone 6 का एक देंगे, iPhone 7 का एक देंगे, और उसके ऊपर हम आपको काम करने के लिए, और दोस्तों उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल काम। तो आपको एसर टेलीकॉम में आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो जो हमने प्रैक्टिकली खुद बनाए हुए हैं और आपको ये देख के समझ में आया होगा। चलिए देखिए वाईफाई निकल चुकी है, अब इसको देखते हैं कि क्या ये अभी भी शॉट ले रही है कि नहीं ले रही है, और उसको चालू करके देखेंगे। तो ये देखिए, और DC देखिए, शॉर्टिंग निकल गई है पूरी तरीके से। अब इसको एक बार चालू करके देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस फोन की शॉर्टिंग निकाली, जो कि सेकेंडरी लाइन पे शॉर्टिंग थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस तरह का काम करना चाहते हैं तो हमें सप्लाई लाइन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। और अगर आप सप्लाई लाइन का काम सीखना चाहते हैं, चिप लेवल पे काम सीखना चाहते हैं, IC निकालना लगाना, आप तो रिबॉलिंग करना है, बहुत सारी चीज़ करना आपको नहीं आता है, और आप चाहते हैं कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपको आवर्स भी ज़्यादा हो, प्रैक्टिकल आवर्स भी ज़्यादा हो, थ्योरी आवर्स भी ज़्यादा हो, और एक एक्सपीरियंस टीचर आपको मिले, ये नहीं कि 2-4 महीने में खोला हुआ इंस्टीट्यूट, तो आप हमारे को ज्वाइन कीजिए इसे टेलीकॉम। और इस फ़ोन में यहाँ पर हमने आपको सिर्फ वाईफाई निकाल के सॉर्टिंग दिखा दी है, क्योंकि अब हम नई वाईफाई इसमें डालेंगे और हमको नैंड में वाईफाई को अनबाइंड करना होता है, तो उसके लिए अभी हमको नैंड निकालनी पड़ेगी। नहीं तो हम आई रिपेयर से या पर्पल मोड केबल से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्योंकि उस दिन जो जिस दिन हम ये कर रहे थे उस दिन ही हमारा रक्षाबंधन का दिन था और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। यूजली ये वीडियो हमने केवल आपके लिए बनाने के लिए बताया था कि किस तरह से इसमें सॉर्टिंग निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।